हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के विद्यालय पदस्थापन को लेकर रिक्ति अपलोड करनी है, उसको लेकर ये जो है प्रतिवेदन ये उपलब्ध कराना है। छात्र शिक्षक से संबंधित प्रतिवेदन कक्षा 1 से 8 के लिए, और इसमें विद्यालय एवं प्रखंड का नाम लिखना है, यूडैस कोड, फिर लिखना है छात्र नामांकन, कक्षा 1 से 5 में सामान्य में कितने हैं और 1 से 5 में उर्दू में कितने हैं, कुल 1 से 5 में कितने हैं, फिर कक्षा 6 से 8 सामान्य में कितने हैं, कक्षा 6 से 8 उर्दू में कितने हैं और कुल 1 से 8 में कितने हैं, ठीक है। शिक्षा की उपलब्धता से संबंधित प्रतिवेदन कक्षा 1 से 5, क्रम संख्या, शिक्षक का जो प्रकार है सामान्य, उर्दू या अन्य, ठीक है। पदस्थापित शिक्षक, कितने शिक्षक पदस्थापित है, और पदस्थापित शिक्षकों में से सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों की संख्या कितनी है, ठीक है। फिर 6 से 8 में विषय और पदस्थापित शिक्षक, और फिर पदस्थापित शिक्षकों में से सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों की संख्या, ठीक है, विषय वाइज 6 to 8 का, और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का हस्ताक्षर और प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर एवं मोहर, मोबाइल नंबर देना है। नोट में लिखा हुआ है, उपरोक्त प्रतिवेदन को जिला के सभी विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, दिनांक 27/5/2024 को अपराह्न 3 बजे अपने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में बैठक कर भरना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी उक्त प्रतिवेदन को समेकित कर एक फोल्डर फाइल में दिनांक 28/5/2024 को पूर्वाह्न 11 बजे तक जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय आरा के लिपिक श्री विकास कुमार को उपलब्ध कराएंगे। तो आरा का है, तो इसी तरह का सब जगह से भर के देना है, ताकि इससे रिक्ति का वो मिलेगा, जो कितने शिक्षक पास कर गए हैं तो वहाँ पे कितनी रिक्तियाँ होगी, तो इसके लिए जो है एक प्रतिवेदन मांगा गया है, ठीक है। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आगे जो भी अपडेट आएगा उसमें आप लोगों को अपडेट करूँगी। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।